हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3D ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग कैसे फोरम बनाते हैं, किधर किधर यूज करते हैं। मैं आपको सब आज बताने वाला हूँ। तो ये हमारा मॉडल है, इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मेरा ये प्लेन ले लिया हूँ, ये हमारा 3D जॉब है जिसके ऊपर फोरम बनाऊँगा मैं। तो पहले मैं कमांड को ले लेता हूँ, 3D ऑफसेट फिनिशिंग का कमांड को ले लिया। ये हमारा 3D जॉब के लिए फिनिशिंग करने के लिए काम आता है ज़्यादा। एक मैं बॉल कटर ले लेता हूँ, 8 का, जैसे 8 का बॉल कटर ले लिया, 8 का बॉल ले लिया। अभी हमारा इसकी, अभी उसका हाइट मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, कम है तो दिख नहीं रहा है। हाँ, हो गया। अब इसको हम लोग, इसके ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम लोग पहले बाउंड्री पैटर्न बिना लिए ही हम लोग प्रोग्राम कंप्लीट इसके ऊपर बना सकते हैं। ब्लॉक के ऊपर भी प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं ब्लॉक के ऊपर प्रोग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे इसके ऊपर मेरे को ब्लॉक के ऊपर प्रोग्राम बनाने का है, ये हमारा प्रोग्राम बनाने का है। तो मैं स्प्लिट ऑप्शन, ये सब मैं बता देता हूँ आपको, ये सब कब कैसे यूज करते हैं। पहले मैं आपको ब्लॉक का ऊपर प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। ब्लॉक के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम, जितना तक हमारा ब्लॉक रहेगा उधर तक का हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो हमारा प्रोग्राम बन रहा है ब्लॉक के ऊपर। सिर्फ हम लोग ब्लॉक के ऊपर भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ब्लॉक जितना जिधर तक आप सेलेक्ट करेंगे उधर पूरा बन जाएगा। मैं ब्लॉक इधर सेलेक्ट किया, हमारा इधर पूरा बन गया। अगर हमारा इस पे बाउंड्री से यूज करना रहेगा तो हम लोग बाउंड्री से भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा बाउंड्री में कैसा यूज करेंगे, हम लोग कोई भी बाउंड्री से इसको यूज कर सकते हैं। तभी हमें एक सर ब्लॉक बड़ा लिख कर देता हूँ। कभी भी हमको जब 3D में फिनिशिंग करना है, अभी हमको इसको फिनिश करना है पूरा, तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो भी आउटर चला हुआ रहेगा तो इधर हल्का मार्क रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो हम लोग इसको साथ में सेलेक्ट करेंगे बाउंड्री को और फिर प्रोग्राम जनरेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक इसको बाउंड्री ले लेता हूँ, बाउंड्री ले लेता हूँ और फिर प्रोग्राम जनरेट कर देता हूँ सेलेक्टेड बाउंड्री करके। तो इसमें भी हमारा बाउंड्री से भी प्रोग्राम हमारा बनता है। मैं आपको इसके ऊपर ही बाउंड्री पर ले लेता हूँ, सरफेस सेलेक्टेड बाउंड्री। ब्लॉक बाउंड्री आने के बाद बॉल कटर दिया, ये हमारा बन गया, बाउंड्री कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग प्रोग्राम जनरेट करेंगे, तो हमारा बाउंड्री के ऊपर भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मैं पहले ब्लॉक का ले लेता हूँ, ब्लॉक ले लिया, कैलकुलेट किया, ब्लॉक को बड़ा कर देंगे थोड़ा, तभी तो हमारा प्रोग्राम बनेगा। अभी हम बाउंड्री ले लेते हैं लिमिट में। ये सब क्या है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। स्प्रिल, स्मूथ, मैक्सिमम ऑफसेट, सेंटर लाइन, ये सब क्या है मैं बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाउंड्री किस किस से हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। ब्लॉक से भी प्रोग्राम बना सकते हैं, बाउंड्री कैलकुलेट करके उससे भी हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। ये मैं उसका भी प्रोग्राम बना देता हूँ। बाउंड्री का एक वीडियो बनाया हूँ, उस पर पता चल जाएगा आपको बाउंड्री हम लोग कैसे बनाते हैं। उसका भी लिंक दे देता हूँ मैं आपको। हमारा बाउंड्री का भी प्रोग्राम बन गया। हम लोग बाउंड्री के अंदर भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी मैं बाउंड्री दिया, बाउंड्री के अंदर जिधर जिधर तक हमारा बाउंड्री है उधर तक हमारा प्रोग्राम बन गया। जैसे हमारा प्रोग्राम सब जगह बनाने का है तो ब्लॉक से हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हम बाउंड्री से यूज करेंगे। बाउंड्री से भी हमारा बन सकता है और हमारा पैटर्न से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इसमें पैटर्न का भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसके ऊपर हम पैटर्न से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इधर हमारा पैटर्न का भी ऑप्शन दिया जिससे हम लोग पैटर्न का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी मैं आपको पैटर्न का बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या है। जैसे हमारा ये, पहले मैं एक बाउंड्री सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके ऊपर आपको बता देता हूँ कि ये हमारा, इसका काम क्या है। एक बाउंड्री ले लिया मैं, एक बाउंड्री हमने ले लिया, इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो भी आपका पैरामीटर है उसको, पैरामीटर को कैसा हम लोग यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। मैं बाउंड्री सेलेक्ट कर लिया, ये वाला दूसरा वाला। अभी हमारा ये जो स्पायरल है, स्पायरल हम लोग कब काम आता है हमारा, मैं ऑप्शन चालू करके दिखाता हूँ। स्पायरल का ऑप्शन चालू किया और मैं प्रोग्राम को कल जनरेट कर दिया। अभी जब हमारे स्पायरल से हम लोग प्रोग्राम जनरेट करेंगे ना, तो जो हमारा प्रोग्राम है ना, वो स्पायरल का जो रहता है वो हमारा प्रोग्राम उठता नहीं कभी भी हाइट में, प्लस मतलब एक पास चलने के बाद उठेगा नहीं, वो स्पायरल में चलेगा। देखो इधर आपको पता रहे दिख रहा है कैसा है, एक एक पास चलने के बाद वो पहला पास फिर दूसरा पास सेम, इधर स्टेप नहीं दिख रहा है, स्टेप नहीं दिख रहा, वो स्पायरल दिया हुआ है इसके लिए नहीं दिख रहा है। तो इससे हम लोग जब स्पायरल का ऑप्शन चालू करेंगे तो हमारा प्रोग्राम ऐसा रहेगा, वो उठेगा नहीं, इधर इधर उठ रहा है इसके लिए, क्योंकि वो उसका डिस्टेंस खत्म हो गया है अभी। वो पहले सिर्फ वो लास्ट, मतलब जब बड़ा डिस्टेंस से छोटा डिस्टेंस में आ गया इसके लिए वो उठ रहा है, और इधर आपका नहीं उठ रहा है, स्पायरल दिखा रहा है। तो ऐसा ये स्पायरल का काम है। सेंटर लाइन का क्या काम है, अभी हम लोग सेंटर लाइन से अगर चालू करेंगे और कैलकुलेट करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ सेंटर लाइन में क्या होता है। सेंटर लाइन में देखो आपका इधर हर जगह पे उठ रहा है प्रोग्राम, ये हर जगह पे उठ रहा है, एक स्टेप आ रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा जब प्रोग्राम चलता है ना, तो ये जब स्टेप उठता है ना इधर,
तो क्या करता है, वो मार्क छोड़ देता है इधर। तो हम लोग स्पायरल में ऐसा होता है और सेंटर लाइन में ये होता है। और स्मूथ का क्या मतलब, स्मूथ हम लोग हर पैरामीटर में, अगर चाहे हमको स्पायरल में चलाना हो चाहे सेंटर लाइन में चलाना हो, स्मूथ को चालू करने का, वो जो हमारा प्रोग्राम रहता हो ना, वो स्मूथ में चलता है एकदम, इसके लिए हमारा स्मूथ का ऑप्शन है। तो स्मूथ आप हमेशा चालू करके ही रखेंगे। और मैक्सिमम ऑफसेट का मतलब हो गया कि जैसे कि मैं, ये हमारा बाउंड्री है, ब्लॉक है, एक मैं ब्लॉक ले लिया, बाउंड्री को बंद कर देता हूँ अभी अभी, इसके ऊपर मैं ब्लॉक ले लिया, कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये हमारा ब्लॉक कैलकुलेट हो गया। तो अगर मैक्सिमम ऑफसेट में 10 mm 5 mm दे दिया, तो क्या करेगा, आउटसाइड से मैक्सिमम 10 लाइन लेगा। अभी मैं 5 डाल दिया और कैलकुलेट कर दिया प्रोग्राम। तो देखिए हमारा 5 लाइन इधर से बन गया। जैसे मैं हाइट करके दिखाता हूँ, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन बन गया। तो ऐसा हमारा ये मैक्सिमम ऑफसेट का मतलब है। मैक्सिमम ऑफसेट का मतलब क्या है हमारा, जितना हम लोग नंबर देंगे उतना ऑफसेट से वो बनेगा। तो हम लोग मैक्सिमम ऑफसेट का ये मतलब है कि जितना नंबर इधर हम लोग देंगे, 10 नंबर, 20 नंबर, अभी मैं इसको 25 नंबर दे दिया, तो हमारा 25 लाइन का प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा ऐसा। तो मैक्सिमम ऑफसेट का मतलब यही होता है, ये भी आप जान गए। अब इसमें क्या है, इसमें दो ऑप्शन लिखा है, ऑफसेट डायरेक्शन, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड आउटसाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, अभी मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, बना के दिखाता हूँ आपको। ब्लॉक ले लिया, बाउंड्री ले लेता हूँ छोटा वाला, जिसमें आपको प्रोग्राम जल्दी बनेगा, तो आपको जल्दी से, आप वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। कैलकुलेट कर दिया इसमें मैं, अभी आपको प्रोग्राम कैलकुलेट कर दिया। तो इसमें आपको दिख रहा है अभी इनसाइड और आउटसाइड। अभी हमारा आउटसाइड में है तो इधर दिख रहा है, अभी इसको मैं इनसाइड में कर देता हूँ। इनसाइड में, तो देखो अंदर साइड में हो गया। अभी हमारा इनसाइड आउटसाइड का मतलब यही होता है, जब हम लोग इनसाइड में ले लिया, तो अब हमारा प्रोग्राम जो है, पहला जब हमारा चलने के लिए जाएगा, स्टार्टिंग में जाएगा, मैं सिमुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। जब हम लोग सिमुलेशन करने के लिए, सिमुलेशन करके दिखाता हूँ, जब चलने के लिए जाएगा तो पहले अंदर से वो चलने स्टार्ट करेगा, ये इनसाइड से, मतलब बाउंड्री के अंदर साइड से, ये अंदर साइड से, देखो अंदर साइड से हमारा चलना स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसी को आउटसाइड कर दूंगा, सेटिंग में जाता हूँ और आउटसाइड कर देता हूँ, आउटसाइड करके कैलकुलेट कर लेता हूँ प्रोग्राम को, तो हमारा आउटसाइड में चलना स्टार्ट करेगा। देखो हमारा बाहर आ गया, अभी मैं इसको सिमुलेशन करके भी दिखाता हूँ आपको। देखो बाहर साइड से हमारा चलना है, तो वो हमारा इनसाइड और आउटसाइड, जो डायरेक्शन का है ये मतलब होता है। आउटसाइड चलाना तो आउटसाइड चलाओ, इनसाइड चलाना तो इनसाइड से चलाओ, ये हमारा डायरेक्शन का मतलब होता है, ऐसा होता है। ये हमारा डायरेक्शन हो गया। अभी हमारा बचा हुआ है पैटर्न। पैटर्न का क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब हुआ कि हमारा शेप है ऐसा, ये शेप हमारा दिख रहा है ना ऐसा, ये हमारा जो शेप है, ये जो हमारा शेप है ये ऐसा दिख रहा है, जो हमारा शेप है ये ऐसा टेपर में दिख रहा है, ऐसा ये अभी टेपर में दिख रहा है ना। तो अभी हम लोग इसके ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे तो टेपर में ही चलाना है। अभी हमको प्रोग्राम सिर्फ ऐसा उतारना है, एक लाइन से ऐसा ऊपर की तरफ आके नीचे की तरफ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पैटर्न बना लेंगे। इसको इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक पैटर्न को क्रिएट कर लेता हूँ। पैटर्न क्रिएट कर लिया, अभी हमको पैटर्न में सिर्फ ए लाइन चाहिए, ए लाइन, और उधर का डिलीट करना है, तो मैं उसको डिलीट कर लेता हूँ, पैटर्न को डिलीट कर लेता हूँ, मर्ज करके ए डिलीट कर लेता हूँ मेरा ये। ये हमको सिर्फ ऐसा प्रोग्राम चलाना है, तो मैं इसको बाउंड्री को, पैटर्न को ऐसा ले लिए, बाउंड्री पैटर्न को ऐसा लेने के बाद अभी हम लोग पैटर्न यूज करेंगे इसमें। अब इसमें क्या करते हैं, बाउंड्री को बंद कर देंगे, बाउंड्री को नहीं लेंगे, पैटर्न को सेलेक्ट कर लेंगे, पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट पैटर्न का ऑप्शन चालू कर देंगे। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम जैसा हमारा कर है सिर्फ वैसे ही वो ऊपर से नीचे तक आ जाएगा, पूरा बन जाएगा। तो हम लोग ब्लॉक को छोटा कर लेता हूँ, नहीं तो प्रोग्राम बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। ब्लॉक थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, नहीं तो प्रोग्राम पूरा बनेगा, टाइम लगेगा इसमें। अभी हमारा ये कैलकुलेट कर देता हूँ, तो अभी हमारा जहाँ तक ब्लॉक रहेगा वहाँ तक का प्रोग्राम और उसी कर में बना रहेगा। ये हमारा ये कर है ना, उसी कर में बना, मैं सिमुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसा हमारा कर है वैसा ही बनेगा, वो प्रोग्राम सेम वैसा ही चलेगा। ये देखिए सेम हमारा जैसा कर है वो, उसके ऊपर पैटर्न जैसा बना ऐसा ही हमारा नीचे से तक का प्रोग्राम ऐसा चलते हुए वो नीचे आ जाएगा डायरेक्ट। तो ऐसा हम लोग पैटर्न यूज कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ तक का पूरा बन गया, ब्लॉक हमारा बड़ा है ना, इसके लिए हमारा पूरा वहाँ तक का आ रहा है, ऐसा 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 हमारा ये प्रोग्राम, ये हम लोग पैटर्न ऐसा बना सकते हैं। अब मैं बाउंड्री को सेलेक्ट करके भी देख, साथ में एक साथ में भी देख कर कैलकुलेट कर देता हूँ, दोनों एक साथ में वो नहीं लेगा। अभी आपको
इसमें आपको वीडियो में सब समझ में आ गया रहेगा। आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर दीजिए, और इसमें आपको सब ऑप्शन चालू बता दिया हूँ मैं। बाउंड्री को बंद कर लेता हूँ और प्रोग्राम कैलकुलेट कर देता हूँ। तो हमारा ये पैटर्न के हिसाब से हो गया। अभी इसमें जितना भी ऑप्शन है सब मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।